हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में जंगली पनवार घास खाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई है। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने चारों बच्चों की मौत पर संवेदना व्यक्त की, कहा कि इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। सांसद निशंक ने इसे दुर्भाग्यजनक बताते हुए इससे सबक लेने की बात कही है और कहा है कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। दुर्भाग्यजनक घटना है, वो तीन बच्चों की तो डेथ हो गई, दो तत्काल उसी समय डेथ हो गई थी, एक अभी अस्पताल में हुआ, एक अभी अस्पताल में भर्ती है, उसकी भी हाँ। तो बहुत ही दुखद घटना है, ये बहुत बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। अब उस परिवार जो इससे उनके साथ सहानुभूति हम लोग दर्शा सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ये है कि बच्चों को जब हम छोड़ें तो कम से कम उनको ये कह दें कि वो जंगल में या किसी भी फली को ऐसे ही तोड़ करके न खाएं, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली के मामले पर कार्रवाई जारी है और 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मामले में अब तक करीब 20 लोगों को जमानत मिल गई है। पुलिस मुख्यालय ने शासन से एक प्राइवेट वकील नियुक्त करने की मांग की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। अब हाईकोर्ट में इन मुकदमों में ललित शर्मा एसटीएफ की ओर से पैरवी करेंगे। यूके ट्रिपल एससी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कई सारे प्रकरण हैं जो माननीय हाईकोर्ट में जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी, पुलिस विभाग के द्वारा भी कुछ जो बेल्स यहाँ से लोअर कोर्ट से हुई है उनको अपोजिशन करने के लिए, उनके रिव्यू के लिए हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। इस संबंध में शासन से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक स्पेशल काउंसिल हमें प्रोवाइड किया जाए, तो उस संबंध में शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। तो अभी आगे जो भी हमें बेल कैंसिलेशन और अन्य प्रकरण माननीय हाईकोर्ट के समक्ष होंगे, उसके लिए हम स्पेशल काउंसिल की मदद से उनको प्रभावी पैरवी वहां पर कराने का निर्णय। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को कई मुद्दों पर उन्होंने घेरा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सत्र जल्दी खत्म करने वाली बयान पर आपत्ति जताई है, कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा का समय नहीं आ गया। उन्होंने यूके ट्रिपल एससी घोटाले मामले पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा कि इस मामले में दोषियों को जमानत मिलना सरकार की लचर पैरवी है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं गणेश गोदियाल, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। यूके ट्रिपल एससी से लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था जो बिगड़ी उसको लेकर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े किए हैं और उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा है। विधानसभा अध्यक्ष के सत्र जल्दी खत्म करने वाले बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है, कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा का समय नहीं उनको दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो इसमें खास होगा महंगाई का मुद्दा, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शांतिपूर्ण चर्चा में सहयोग करने का भरोसा देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए सरा। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नियम, सवाल यह है कि महंगाई इतनी प्रबल हो गई है, लोगों के घर का बजट पूरा बिगड़ गया है, यहाँ रसोई में गैस नहीं जलती है, गृहिणी का दिल जलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक सामान्य चर्चा नहीं बल्कि जिस रूल के अंदर अपोजिशन चाहता है उस रूल के अंदर चर्चा होनी चाहिए, ताकि चीज की गंभीरता रिफ्लेक्ट हो सके और आम आदमी तक ये संदेश जा सके कि पार्लियामेंट गंभीर है, गवर्नमेंट गंभीर है, अपोजिशन गंभीर है हमारी महंगाई के सवाल पर। और रुद्रप्रयाग से अगली खबर